हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता का जान। आज हम आए हैं MSME एक्सपो में, जो कि लगा हुआ है प्रगति मैदान में। अगर इसकी डेट की बात की जाए तो 10, 11, 12 अगस्त 2023 तक लगेगा। अगर इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगेगा। अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आइडिया चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। इनसे बात करते हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं या आप पहले से इसमें जुड़े हुए हो और आपको इन प्रोडक्ट की नीड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम आ गए हैं बूथ नंबर 4 पर, जो कि केसर प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, कहाँ से आना हुआ और आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन बताइए। हाँ, मैं जम्मू कश्मीर बारामूला से हूँ और मेरी कंपनी मीरक साहब फैट फूड प्रोड्यूसर कंपनी है। हम फार्मर्स का एक ग्रुप पीछे मेरे पीछे है, तो मैं उनकी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। एज मैं MD काम करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं एग्जैक्ट गुलमर्ग एरिया का हूँ और ये अच्छा है, यहाँ गवर्नमेंट ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया और हम एक्सप्लोर करते हैं और अपना अपने क्या क्या प्रोडक्ट हैं, ब्रांड्स की प्रमोशन कर रहे हैं। हमारे पास अभी ये भी हमारी प्रोडक्ट, ये सैफ्रॉन है हमारे पास, और बाकी मेरे पास एप्पल है, ये जो बारामूला J&K का खास प्रोडक्ट है, और प्लम है हमारे पास, ये शहद भी है। तो यहाँ आकर हमें बादाम भी दिख रहे हैं। हाँ, बादाम भी है। बादाम कौन सा वाला है? ये मामरा बादाम है। मामरा है जी। क्या प्राइस है इसका? इसका 400 प्राइस है अभी। 400, ये 250 ग्राम है। 250 ग्राम का, ओके। और कश्मीरी ऑरिजिन का है और ये सब GI टैगेड है। ये सैफ्रॉन है। और केसर का क्या प्राइस होगा? केसर का प्राइस, ये नेट प्राइस में अभी 600 का ये पर ग्राम भेजते हैं और ये GI टैगेड है। इसमें ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस के, ये शिलाजीत है। इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस 20 ग्राम की पैकिंग है, आपको 600 का मिल जाएगा। MRP 1200 है। और ये जो शहद है, ये हाँ, ये एकेशिया है, कश्मीर का लोकल मल्टीफ्लोरा भी हमारे पास है, ये एकेशिया वाला है। तो अगर आपको बादाम चाहिए तो ये 400 रुपए का 250 ग्राम मिल जाएगा, 250 ग्राम। और भी हमारे पास, तो आपको ये यहाँ पर ये डिस्प्ले के लिए ही है, सेव वगैरह या ये मतलब ये बाद में सेल भी करेंगे? अभी तो हमारे पास स्टॉक्स आ रहे हैं पीछे, अभी तो हम पहले आ गए। अगर कोई लेना चाहता है तो सेल करेंगे, ले सकते हैं, दे सकते हैं। क्या प्राइस है सेब का? सेब का तो एक पर केजी इसका 350 जाएगा। और प्लम का? प्लम का तो 250 रुपए पर केजी। तो सर, आपका कार्ड होगा तो आप दिखा दीजिए। हाँ, कार्ड है हमारे पास, ये कार्ड है, कोई भी कस्टमर आएगा तो ये एक्चुअली हमारी कंपनी भी दिखा ऊपर देती हूँ। 100% प्योर केसर मिल रहा है यहाँ पर, जिसका प्राइस 600 है। ये देखिए, यहाँ पर है आरा फूड्स एंड फूड फार्म हाउस में, जिनके पास कश्मीरी स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। सर, कितने से स्टार्टिंग है? 750। दिखाएंगे एक दो पीस। ये स्टॉल्स हैं। अच्छा, इस तरीके से ये शॉल है। शॉल है, ये प्योर पश्मीना है। क्या प्राइस होगा इसका? ये 85,000। और इसका क्या प्राइस होगा? 15,000 का। और रीजनेबल रेट पर कौन से होंगे? 1200 अच्छा, ये तो कितने का ये? 1800 का। अगर कोई ऑनलाइन मंगाना चाहता है तो फिर मतलब ऑल ओवर इंडिया में अपना कार्ड दे दो। जंगपुरा भोगर में आपका वो भी है, ब्रांच ऑफिस।
ये देखिए यहाँ पर कारपेट मिल जाएंगे। सर क्या प्राइस होगा इसका कारपेट का, जैसे ये वाला है साइड वाला 2x6 का 48,000 का, और ये वाला जो कॉर्नर पर है सर ये हाँ स्टफ 100% सिल्क है। ओके कहाँ से आना हुआ आपका? हम लोग मध्य प्रदेश भोपाल से आए हुए हैं। कंपनी का नाम क्या है? हमारा वैसे ड्रीम मार्ट क्रिएशन है, नमिता मंडल जी के नाम से है। हाँ जी रजिस्टर्ड है। हम लोग हैंड पेंटेड ज्वेलरीज बनाते हैं, कैनवास पे है, टेरिकोटा पे है, अलग अलग प्रकार का पूरा हैंडमेड है। इसमें पूरा पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, लाइट वेटेड है, मोस्ट ड्यूरेबल है। बेसिकली हमारा मोटो था कि फाइन आर्ट में जो ट्राइबल आर्ट है, ट्राइबल आर्ट को हम किस प्रकार से प्रमोट करें। आप देखेंगे यहाँ पे ये सब ट्राइबल आर्ट है हमारे यहाँ, ये एमपी के जो गोंड आर्ट है, जो वर्ल्ड फेमस गोंड आर्ट है, तो उस गोंड आर्ट को हम लोगों ने यहाँ पे जो है ज्वेलरीज में उतारा है। ज्वेलरीज में आपको यहाँ पे मिलेंगे अलग अलग कैनवास में, ये एमपी की जो है नीमिज की जो है मांडा आर्ट है, इसमें आपको वर्ली आर्ट मिल जाएगा, इसमें अलग अलग ट्राइबल आर्ट्स को हम लोगों ने ज्वेलरीज में उतारा है। कैनवास है ये बहुत ही, इसकी देखिए वेस्टर्न पैटर्न में इसको टेरिकॉटा में बनाया हुआ है, जो आपने जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें पढ़ते थे उसमें स्टोन ज्वेलरीज में जिस प्रकार की ज्वेलरी हुआ करते थे वो ज्वेलरी का। सर जैसे ये B2B इवेंट है तो आप होलसेल में डील करते हैं, तो रिटेल में भी कोई अगर लेना चाहे तो? इसमें रिटेल में भी हम लोग बेसिकली रिटेल में हम लोग ज़्यादातर जल्दी जाते हैं, और हमारे पास जो प्राइसिंग है बहुत ही मिनिमम है, यहाँ पर 100 रुपीज़ से स्टार्टेड है, 100 रुपीज़ से स्टार्टेड से लेकर 250-350 तक है। बेसिकली यही है, ये जो हमारा इंडियन आर्ट है जिसे देखिए वर्ली पे हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। सर कौन सी आर्ट बोलते हैं इसको? ये वर्ली पे बनाया है कैनवास पे, और इस पे हमने बनाया। क्या रेंज होगी इसकी? इसका 250 का है, 250 का सेट है। ये नेकलेस के साथ इसका ये आपको ये रिंग्स भी मिल जाएंगे, ये टेरिकोटा के ये टेरिकोटा के। क्या रेंज होगी इसकी? 250 का। ये ब्रॉच है? नहीं ये जो फ्रिज मैगनेट है, फ्रिज मैगनेट है, 100 रुपीज़ कोई सा भी लीजिए, ये 100 रुपीज़ का। ये देखिए डोनट पैटर्न में हमने इसको बनाया हुआ है, फ्रिज बना है। और जो ये पाउचेज हैं ये भी 100 रुपीज़ के, ये 150 का। ये देखिए जूट पर है, थोड़ा सा बड़ा, कितने का ये? ये 150 का, 150 का है, पूरा हैंड पेंटेड। ये स्मॉल साइज है, और इसी का ये थोड़ा सा बड़ा साइज मिल जाएगा, ये 150 का है। स्पेशली जो इयररिंग्स हमारी स्पेशलिटी है, इयररिंग्स पर कोई स्पेसिफिक नहीं, ये बहुत ही लाइट वेटेड है, हैंड प्रिंटेड है, इसकी स्पेशलिटी वाकई में बहुत लाइट वेटेड है, और मल्टी कलर्स में जो मेटल के होते हैं उससे भी बहुत लाइट वेटेड, हाँ उससे बहुत लाइट है। इसको वेयर करेंगे तो आपको लगेगा नहीं। इसकी क्या रेंज है इसकी? 150। इसकी स्पेशलिटी इसको मल्टी कलर में हम प्रिपेयर किया, आप कई सारे ड्रेस का वेयर करेंगे, चाहे वेस्टर्न आउटफिट हो या ट्रेडिशनल आउटफिट हो, बहुत ही डिसेंट लुक आता है। हमने एक्चुअल में जो मार्केट में हम लोग एज यूजुअल जो असेंबल्ड ज्वेलरी देखते हैं, ये इमिटेशन ज्वेलरी देखते हैं, उसको उससे हमने हट के थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश किया, जो फाइन आर्ट को ट्राइबल आर्ट को लेकर चलने की कोशिश की है, और लोगों ने लिया भी है, अप्रिशिएट भी किया हुआ है। नहीं अच्छा है, ये देखिए फैब्रिक में है, ये फैब्रिक पर बना हुआ है, बहुत ही लाइट वेटेड है, ये भी फैब्रिक में, ये फैब्रिक पर, और इवन आप बारिश में अगर भीगता भी है तो ख़राब नहीं होगा, ये कलर नहीं जाएगा, नहीं ख़राब होने का सवाल ही नहीं है, जैसे हम कपड़े फैब्रिक पर हुआ। क्या रेंज होगी इसकी? ये भी 150 का, 150। और ये ब्रेसलेट है? ये सर ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट है, इसकी क्या रेंज है? 120। ये देखिए ईगल आई का, आजकल ईगल आई से है ब्रेसलेट बनाया है, 120 रेंज। ये देखिए ब्रेसलेट की रेंज मिल जाएगी, काफ़ी सारी कलेक्शन है, और इयर रिंग्स की भी। ये वेलवेट का है, वेलवेट में बनाया हुआ है, बहुत ही लाइट वेटेड है, आप चाहे पार्टी वेयर में हो कहीं पे भी हो। और इसकी रेंज क्या है? ये 120 होंगे, ये भी ये सारे 120 120 150 100 रुपीज़ इस तरह की रेंज। अच्छा 100 से 150 की रेंज में, 150 की रेंज के। बहुत ही लाइट वेटेड ज्वेलरी है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली ज्वेलरी है, स्किन को कभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कई सर और ये वाली माला जो है इसे 250 का, 250 ये रुद्राक्ष पैटर्न में, इसको मल्टी कलर में हम प्रिपेयर किया। और जो आपके पास पेंटिंग दिख रही है, यस ये गोंड आर्ट है,
क्या रेंज होगी इसकी? ये 1000 का है, इसकी विदाउट फिल्मिंग है। कोई सी भी लो, कोई भी। ये देखिए इनमें से कोई सी भी लेंगे आप, 1000 रुपीस की है। इसका फ्रेम आउट करके इसका जो प्राइसिंग वैल्यू है जो है 2000 अबव। आप मतलब फ्रेम आउट नहीं करा के देंगे? फ्रेम आउट विदाउट फिल्म। मुझे वहाँ इयररिंग्स भी दिख रही हैं। वो भी इयररिंग्स में ये रिंग है शायद। ये रिंग्स है, ये फिंगर रिंग्स है। फिंगर रिंग्स है, ये टेरिकोटा की। ये देखिए इनके पास रिंग भी है। क्या रेंज होगी इसकी? 150 का। ये देखिए ये धान से बनाया हुआ। अच्छा, ये धान से, ये देखिए इसे धान से बनाया है। बीच में आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ नेकलेस किस तरह से फिल्म का है। सर बहुत ही लाइट वेटेड है, थ्रेड यूज किया गया है। देखने में लग रहा है कि बहुत वेट होगा इसका, मगर वेट बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। और बहुत, आप चाहे कोई भी वेयर पहने, साड़ी पहनी है या ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है, मगर एक समर कोल वो ज्वेलरी है ये, जिसे समर में रिएक्शन कर जाती है, मेटल वाली ज्वेलरी ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे पूरी तरह से है। इसमें किसी प्रकार का चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं किया। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसमें किसी भी प्रकार का असेंबल्ड प्रोडक्ट नहीं है। आपने कई जगह देखा होगा मार्केट में असेंबल्ड प्रोडक्ट रखते हैं। सर एक ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। हाँ, ये फैब्रिक ज्वेलरी है, मैंने चेस वाली और ये लूडो, ये फंकी ज्वेलरीज है मल्टी कलर। यहाँ पे हमने किसी प्रकार का कोई भी असेंबल। क्या रेंज होगी इसकी? सेम अप टू 250। ओके, ये मैं आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ही बता रहा हूँ। ओके, इसे पेंटिंग बेस्ड ज्वेलरी है, टेरिकोटा पे फिर। ओके, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर।